हेलो एवरीवन, काफ़ी दिनों बाद मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आया हूं। सो सबसे पहली बात तो 2019 की मेरी पहली वीडियो आप सबके साथ। सो अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो सब स्पेशली मैं बना रहा हूं आज अपने CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जो नवंबर 2018 में अपने एग्जाम्स दे चुके हैं। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं डिस्कशन कर रहा था कैसे आपको अपनी हॉलीडेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। बट आज मैं आपके सामने ये वीडियो इसलिए लाया हूं क्योंकि हमारी रिजल्ट्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। पिछले काफी दिनों से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पे अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 17th को रिजल्ट है, कुछ 19th जनवरी की डेट कह रहे थे, कुछ बार बार मेरे से पूछ रहे थे सर लास्ट डेट क्या है। तो आज ऑफिशियल डेट आ चुकी है ICAI की। ICAI ने नोटिफिकेशन निकाल के डेट दी है 23rd जनवरी, विच इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेंसडे। आज 11th जनवरी को ये नोटिफिकेशन आई है और उन्होंने बोला है शाम को 6 बजे ये रिजल्ट अपनी वेबसाइट पे लेंगे। सो जितने भी CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं अब आपके पास सिर्फ इफेक्टिवली 13 दिन रह गए हैं। जो मौज का समय था वो खत्म होने वाला है, आपका रिजल्ट होस्ट होने वाला है इन 3 वेबसाइट पे, इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है जी। अच्छा वैसे ये कहते 6 बजे आपका रिजल्ट आएगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऑब्जर्व किया हमने 6 बजे से पहले रिजल्ट दे देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है 6 बजे ऑफिशियल टाइमिंग होता है बट 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक रिजल्ट आ जाता है। हाँ एक आधी बार ऐसा भी हुआ है रिजल्ट 6 बजे बोला था, रात को 9 बजे, रात को 10 बजे दिया था। तो 6 बजे अगर आपका रिजल्ट बोला है 6 PM की वेट मत करना, उससे पहले ही पहुंच जाना, आपको रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली उससे पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अच्छा एक बार मैंने पहले भी बोला था फाउंडेशन में इस बार क्या, फाउंडेशन जब से आया है मई 18 से पहला अटेम्प्ट था, इन्होंने यूजुअली क्या करते थे CPT में सिर्फ 10 रैंक निकालते थे बट फाउंडेशन में दे आर गोइंग टू डिक्लेयर अप टू 50 रैंक्स। तो मई 18 के अंदर भी ये चीज थी, नवंबर 18 में भी दे विल बी गोइंग टू डिक्लेयर 50 ऑल इंडिया रैंक्स। ऐसा नहीं है सिर्फ 50 बच्चों का नाम ही आएगा, कई बार 2 बच्चों का जब मार्क्स एग्जैक्टली सेम होता है तो देयर कैन बी 2 पीपल हैविंग द सेम रैंक। So, ये चीज उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी क्लैरिफाई किया कि दे विल बी डिक्लेयरिंग दी ऑल इंडिया रैंक्स फॉर CA फाउंडेशन, ठीक है जी। अच्छा रिजल्ट देखने का तरीका है क्या, जल्दी से बता देता हूं। रिजल्ट जिस दिन आप देख रहे होंगे दुख दुख तो हो रही होगी, आपको 2 चीजें अपने पास रेडी रखनी है। पहली चीज अपना रोल नंबर, जिस रोल नंबर से आपने पेपर दिया है। दूसरी चीज आपको याद होगा जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा है आपने एक पिन जनरेट किया था, अपना 4 डिजिट का पिन होता है, आपको ये पिन भी जरूरी होगा रिजल्ट देखने का। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपके सिर्फ रोल नंबर के बेसिस पे आपका रिजल्ट दे दिया जाए तो कोई भी आपके रोल नंबर को जान सकता है, इधर उधर से आप बच्चों को पता ही होता है आपका रोल नंबर क्या है, तो आपका दोस्त, आपके टीचर्स, कोई भी आपका रिजल्ट दे सकता है, जो कि इंस्टीट्यूट नहीं चाहता। इंस्टीट्यूट चाहता है आपका रिजल्ट है, सिर्फ आप ही देखने के इसको राइट रखते हैं और फिर आपने चाहे पूरी दुनिया को बताना है वो आपकी मर्जी है। तो आपका रिजल्ट रोल नंबर के अलावा आपको क्या चाहिए होगा, पिन भी चाहिए होगा। ये पिन 4 डिजिट का है, आपने एग्जाम फॉर्म के समय बनाया होगा। सर हम तो ये पिन भूल चुके हैं, तो पिन भूल चुके हो तो भी दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास पिन नहीं है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप वो डालकर भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सो रोल नंबर तो पक्का पक्का चाहिए ही चाहिए, साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे आप प्यार से NRO, CRO, SRO, ERO नंबर बोलते हैं, उस नंबर को हैंडी रखिएगा, उसके बेसिस पे आप रिजल्ट देख सकते हो। रिजल्ट देने के बारे में बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आई हुई है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ब्रॉडली उसके अंदर रिजल्ट देखने का तरीका बोला गया है, एक फैसिलिटी दी गई है 19 जनवरी से आप रजिस्टर कर सकते हो, जब भी रिजल्ट आएगा आपकी मेल पे भेज दिया जाएगा। बट यूजुअली हमने देखा है ये रिजल्ट लेट भेजते हैं, तो अगर आप फर्स्ट टू गेट द रिजल्ट, अगर आपके इस समय दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं मुझे रिजल्ट सबसे पहले देखना है, तो आई वुड सजेस्ट इस पर रजिस्टर कर दो, बट इसकी वेट मत करना, ये थोड़ा सा डिले कर देते हैं। सिमिलरली इंस्टीट्यूट कहता है आप अगर चाहो तो इन नंबर्स के ऊपर हमें ये SMS भेज सकते हो, हम SMS के थ्रू आपका रिजल्ट भेज देंगे। अगेन SMS के थ्रू रिजल्ट आ तो जाता है बट थोड़ा लेट आता है, तो ये मेथोडोलॉजी मत फॉलो करिएगा। आप सबके पास इंटरनेट है, आप नेट के थ्रू देख रहे हैं, इन वेबसाइट्स पे 6 बजे से पहले लगभग 3:30-4 बजे के बाद ही बैठ जाना, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। सो ये तो रिजल्ट की अनाउंसमेंट थी जो आपके लिए जरूरी थी। साथ साथ मैं ये इस वीडियो को ये बताने नहीं आया कि आपका रिजल्ट कब आएगा, मुझे आपको यह बताना है कि मैंने लास्ट वीडियो में बार बार फोकस किया था कि जो CA का इंटर का सिलेबस है वो काफी ज्यादा वास्ट है और इस बार इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, MCQ से रिलेटेड चेंजेस आए हैं, जिस वजह से अगर आपने 2 ग्रुप देने हैं या अगर आपने 1 ग्रुप भी देना है तो नवंबर 19, जो भी बच्चे भी पास होंगे उनका पहला अटेम्प्ट क्या होगा, नवंबर 19 में 2 ग्रुप प्रिपरेशन के लिए प्रेशर ज्यादा आएगा।
इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था जो आपका दिसंबर का मंथ है, जो आपका जनवरी का मंथ है, उसमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ फेस टू फेस जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हमारे साथ गूगल लिंक के थ्रू भी क्लासेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट का, और अब वो कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद हम अपने इंटर की तैयारी स्टार्ट करेंगे। फेयर इनफ, आप सबने काफी एंजॉय किया अपना एक डेढ़ महीना, बट अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि रिजल्ट को अगले 10-12 दिन रह गए हैं, अब धीरे धीरे आपको वापस उस मोड में आना होगा जिस वजह से आप सीए के अंदर आए थे। आप पूरी तरह से उस मस्ती मोड में नहीं रह सकते, क्योंकि हमने देखा है कई बार रिजल्ट के एंजॉयमेंट में बच्चा अपना 10-15-20 दिन वेस्ट कर देता है, और जो 10-15-20 दिन आप वेस्ट करेंगे 23 जनवरी के बाद, वो अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, बट लास्ट में जब एक एक दिन इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, सोच के देखो सीए फाउंडेशन में अगर आपको कह देता आपका रिजल्ट, आपके एग्जाम हफ्ता पोस्टपोन हो गए हैं, तो आपको ऐसा लगता ना जाने आपको क्या बोनस मिल गया है। जब आप लास्ट में एक एक दिन के लिए रोते रहते हैं, तो स्टार्टिंग में दिन बिल्कुल वेस्ट नहीं करने। सो अभी मेरा एम क्या है, पिछले अगले 10-12 दिनों में जो भी बच्चे जो नवंबर 18 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम जिन्होंने दिया है और जिनको उम्मीद है वो क्लियर होने वाले हैं, उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियोज बनाऊंगा रिगार्डिंग ऑल दी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट सीए इंटर। मैं अलग अलग वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि सीए इंटर के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, हमें एक ग्रुप देना चाहिए या दो ग्रुप देने चाहिए, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जो आपको नहीं पता। सर रैंक लेने का फायदा क्या होता है, सर दो ग्रुप देने के फायदे क्या होते हैं, सर क्या हमारे लिए कोई स्कॉलरशिप स्कीम है इंस्टीट्यूट की, सर कौन से सब्जेक्ट की हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, क्या सर सेकंड ग्रुप की तैयारी पहले कर लें, क्या सर फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करके सेकंड ग्रुप में सिर्फ एक पेपर दे दें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं एवरीडे बेसिस पे फेस करता हूं, जो आपने नहीं आपके पास्ट वालों ने भी पूछे थे। तो मैं अगले दिन, अगले 10-12 दिन सिर्फ क्या करूंगा, आपकी ये जो नॉर्मल क्वेरीज हैं सीए इंटर से रिलेटेड उनको एड्रेस करूंगा। साथ साथ आपको न्यूज बता दूं, 11 जनवरी आज ही एक एमसीक्यू से रिलेटेड नई अपडेट आई है इंस्टीट्यूट की, वो भी मैं आपसे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। सो अगले 10-12 दिनों में मेरा सिर्फ एम ये है आपको वापस उस मोड में लाना, आपको वापस उस सीरियसनेस में इन्वॉल्व करना जिस सीरियसनेस के साथ अपने अपने सीए नवंबर फाउंडेशन के पेपर दिए थे। हाँ, साथ साथ मुझे मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम पे उन बच्चों के जिनका फाउंडेशन अटेम्प्ट है मई 19 में या नवंबर 19 में। साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नवंबर 18 में पेपर दिए हैं बट उनको उम्मीद नहीं है क्लियर होने का, तो वो मई 19 में फिर से अपीयर होना चाहते हैं। उनकी कंप्लेन ये आ रही है कि सर आप इंटर की बातें कर रहे हो, आप फाउंडेशन के बारे में हमारे बारे में तो कुछ बता नहीं रहे हो। सो अब मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज होंगी, मेरी और एवीजे और नॉलेज पोर्टल की जितनी भी फैकल्टीज की, हम फाउंडेशन 19, फाउंडेशन मई 19 और फाउंडेशन नवंबर 19 के लिए भी अलग सेट ऑफ वीडियोज बनाएंगे, साथ साथ सीए मई 19, सीए इंटर मई 19 और सीए इंटर नवंबर 19 में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनके लिए भी अलग से गाइडेंस वीडियोस बनाएंगे। सो अभी तक मैं सिर्फ फाउंडेशन को कैटर कर रहा था, अब मैं अलग से इंटर के बच्चों के लिए भी बनाएंगे हम, और फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे आगे आने वाले दिनों में। सो जो भी वीडियो होगी आप एक बार जरूर, आप बेशक फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं या इंटर के स्टूडेंट हैं, उस वीडियो को चेक कर लेना। वीडियो की स्टार्टिंग में हम क्लैरिफाई कर देंगे ये वीडियो हम फाउंडेशन के लिए बना रहे हैं या फिर इंटर के लिए। हाँ, खासकर जो भी वीडियोस में इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा, सीए कोर्स के बारे में बताऊंगा, आई वुड सजेस्ट वो फाउंडेशन के बच्चे भी देखें और इंटर के भी, क्योंकि वो जनरल नॉलेज है आपके आईसीआई के बारे में, आपके सीए कोर्स के बारे में, तो उनके बारे में जरूर आप दोनों सुनना। साथ साथ हमने 3-4 सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाए थे इन दिनों में, काफी सारे स्टूडेंट फेस टू फेस आए भी थे लक्ष्मीनगर में, बट हां मैं उनको यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि उनकी ढंग से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। उस समय मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं थी कि मैं उनको रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि हम वी वर कंटिन्यूसली मूविंग, मैं ऐसे बैठा नहीं था उस सेमिनार्स में। आगे भी हम ऐसे सेमिनार्स लाते रहेंगे, अगेन वो फाउंडेशन के बच्चों के लिए भी रेलेवेंट होंगे, वो इंटर वालों के लिए भी रेलेवेंट होंगे, मगर इस बार मैं कोशिश करूंगा जो भी सेमिनार एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए हम कर रहे हैं उनको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकूं। सो जितनी मौज मस्ती करनी थी, आपने भी काफी दिन रेस्ट किया, मैं भी काफी दिन से कोई वीडियो शूट नहीं कर रहा था, इनफैक्ट 2019 के 11 दिन बीत गए, मैंने एक भी वीडियो अभी तक शूट नहीं करी थी। अब मैं भी बैक टू फॉर्म आ रहा हूं, धीरे धीरे रोज आपके साथ वीडियो शूट करूंगा, बाकी फैकल्टीज भी रोज वीडियोस डाला करेंगे। सो स्टे इन टच विद अस थ्रू यूट्यूब। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, उसमें मैं अक्सर जीएसटी की अपडेट्स डालता रहता हूं। हाँ, उससे याद आया, काफी सारे स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन में हो या इंटर में हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिलेबस, वो लॉ के बारे में, टैक्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, ऑडिट के बारे में, इन जनरल सीए की मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं।
सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सिलेबस, मैंने इसको सोचा है मैं एक अलग से वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर हमसे बातें क्या करेंगे, लॉ की, टैक्स की, सारी चीजें मैं नहीं करूंगा, ऑफकोर्स अलग बाकी फैकल्टीज भी करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट की। हम उसमें ये डिस्कस नहीं करेंगे आपके इंटर के सिलेबस में टैक्स क्या है या आपके इंटर के सिलेबस में लॉ क्या है, जनरल लॉ की बातें, जनरल आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो होनी चाहिए बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉमर्स के बारे में, लॉ के बारे में, टैक्स के बारे में, उसके अंदर हम सिर्फ जनरल बातें करेंगे एग्जाम के अलावा। क्योंकि अगर हम सिर्फ एग्जाम पे फोकस करते रहेंगे तो हो सकता है हमारे मार्क्स तो बहुत अच्छे आए बट जनरल अवेयरनेस हमारी बहुत कम हो। मैं अपने सेमिनार में बार बार यही फोकस कर रहा था, आगे आने वाला जमाना उन्हीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है जिनको अपने सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारी नॉलेज है, सो उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिनका सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। सो हाँ, ये सब कुछ मैं अगले आने वाले दिनों में करने वाला हूं, स्टार्टिंग विद कल ही आपको सीए इंटर से रिलेटेड वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी और सीए फाउंडेशन से रिलेटेड। हाँ, बाकी सारी जो चीजें मैं कह रहा हूं उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सो स्टे इन टच। फिलहाल 23 जनवरी की डेट याद रखना, 23 जनवरी आपका रिजल्ट है सीए फाउंडेशन वालों का, इंटर वालों का रिजल्ट अभी फेब में आएगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपके साथ फिर से मिलता रहूंगा, सो स्टे इन टच। दिस इज संचित ग्रोवर साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।